अब इसी सवाल को हम, ये तो मैंने अपना टाइम सेव करने के लिए, अब जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होने लग जाएगी, आपको ये भी पता लगने लग जाएगा, इफ द पर्टिकुलर मैथड इज नॉट आपका गिवन इन द क्वेश्चन, सो नाउ यू कैन डू इट बाई एनी मैथड. टाइम आपका 3 घंटे के अंदर क्या आपका ना, यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, ये सबसे बड़ी बात है. अब ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसी में देखो अपना द सेकेंड वीडियो ना, बाय एलिमिनेशन या एलिमिनेटिंग मैथड. सेम प्रोसेस आपको ये और ये तो करना ही पड़ेगा, यहां तक ये दो फॉर्म करनी पड़ेंगे. तो ना करो ए 5x + 7y इज इक्वल टू 15, ये फर्स्ट इक्वेशन है. एंड द सेकेंड वन इज एंड 7x + 5 इज इक्वल टू 46. अब एलिमिनेशन का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एलिमिनेशन, कि यू हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल इन बोथ द इक्वेशंस आइदर और वाई, दैट इज अप टू यू. क्लियर? अब आप इसमें 5x है, इसमें 7x है, इसमें 7, इसमें 5 है. ओके, तो ना मल्टीप्लाई बाई 7 एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 रेस्पेक्टिवली ऑन बोथ साइड्स. ओके, इसको आपने कहा कि आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू हैव टू बन, सॉरी इसको 5 से, तो 7 5 = 35x + 49y + 350. एम आई राइट? क्लियर? 7 5 एंड दूसरी वाली 5 7 35x + 5 5 = 25y = 46 5 = 230. एम आई राइट? यही तो होगी. सॉल्विंग बोथ द इक्वेशंस नाउ by eliminating math. When you have to change the signs, तो यहाँ पे आपका on subtraction लिखेंगे, on minus minus sign. यहाँ पे लिखेंगे आप ये on subtraction लिखेंगे. तो this is colors. When x is colors, तो आपका देखो 49 में से 25 जाएगा तो कितना हुआ सर? 24. Equal to 120. तो y is equal to 120/24, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया एंड खलास. तो y इस जोड़े का कितना हो गया जे? 5. अब देखो इसको, अब आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट में रखो ऐसे के, ये आपकी मर्जी. तो देखो इसे नाउ सपोज सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू y इस जोड़े 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं. इक्वेशन नंबर 1 आपका देखो 5x प्लस 7y y की जगह में आपका 5 इससे बड़ा आपका 15 है, तो 5x इक्वल टू दिस इज 15 और ये मल्टीप्लाई हो गए माइनस हो जाएगा 14 7 में, तो 5x इससे बड़ा था 15, x इज इक्वल टू 15 बाय 5 ये कर देते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू, ये बच्चे यहाँ पे जैसे बड़ा एहसान कर दिया आपने एग्जामिनर के ऊपर, ये प्रिंट होना चाहिए यहां, क्योंकि दीज आर द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, आप समझ रहे हैं. इसलिए आपका लास्ट में आपका था द कॉस्ट ऑफ आपका 1 pencil इज ए रुपीज, एक्स इज इक्वल टू अपना, अंग्रेजी में मत लिखिएगा रुपीज को, अपना इंडियन करेंसी में लिखिएगा. नाउ द कॉस्ट ऑफ 1 pen is rupees 5, ऐसे लगा rupees आपका 3. ये आपका ऐसे अपने आंसर निकालना, ऐसे नहीं. Is it clear? Do it please.